एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में दोबारा आपका स्वागत है। 9 नेता 18 हाथ, इसे सुनकर आपको 1957 में आई वी शांताराम की फिल्म 2 आंखें 12 हाथ याद आ गई होगी। ये सेंटेंस सुनने में ही फिल्मी है, लेकिन आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल तस्वीर पर बिल्कुल सटीक ये लाइन बैठती है। दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर में बिहार के लिए विपक्ष ने एक गठबंधन किया और सपना देखा कि 2019 के लिए वो देश भर में ऐसा ही गठबंधन बनाएंगे, लेकिन ये बंधन जोड़ तोड़ से बना था। तो क्या मोदी के खिलाफ इसी तरह जोड़ तोड़ का गठबंधन बनेगा? आज की खबर और 2019 की हकीकत, यही है आज के मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी। सबसे पहले इस खबर की 5 हेडलाइंस आप जान लीजिए। बिहार की आरएलएसपी बीजेपी विरोधी महागठबंधन में शामिल हो गई। आज शाम दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर में इसका ऐलान किया गया। अहमद पटेल काफी दिनों बाद फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखे। एक मंच पर आरएलएसपी, हम लोकतांत्रिक जनता दल के नेताओं को लेकर आए उपेंद्र कुशवाहा का आरोप कि एनडीए में मेरा अपमान हुआ। लालू यादव और राहुल गांधी ने उदारता दिखाई। रामविलास पासवान के बेटे चिराग ने राहुल गांधी की तारीफ की। अटकलें लगाई गई कि वो एनडीए से बाहर होना चाहते हैं। रामविलास पासवान की एलजेपी सीट बंटवारे को लेकर नाराज है। अमित शाह के घर पर आज 1 घंटे तक तीनों की बैठक हुई। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय और 2019 के लिए द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल शो का ट्रेलर लॉन्च। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। एक मंच, 9 नेता, 18 हाथ और 2019 की बात। बाई ओर से देखते जाइए आरएलएसपी के रामकुमार शर्मा, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा, एचएएम के जितिन राम मांझी, तेजस्वी यादव, अहमद पटेल, उपेंद्र कुशवाहा, शरद यादव, शक्ति सिंह गोहिल और बिहार के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह। लेकिन इन चेहरों में एक चेहरे पर गौर कीजिए, अहमद पटेल, या कहिए अहमद भाई, या फिर अहमद मियां। आज इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। सोनिया के राजनीतिक सलाहकार और कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट रहे, ये वो ही अहमद पटेल हैं जिन्हें गुजरात से राज्यसभा नहीं पहुंचने देने के लिए अमित शाह ने काउंटिंग सेंटर के बाहर कुर्सी लगा ली थी। लेकिन जीता कौन? अहमद पटेल। यही अहमद पटेल 2 दिन पहले संसद भवन में राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर उन्हें सलाह देते दिखे थे। आज अहमद पटेल कांग्रेस के बैनर के नीचे गठबंधन को इस अंदाज में सहेज रहे थे मानो बिहार के रास्ते राहुल को राज मुकुट पहना रहे हैं। जब सबको साथ लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो दोस्ती की तस्वीर सुनहरी आए इसके लिए पूरी कोशिश भी करते दिखे। फिर दोस्ती का परचम उठाया। माइक संभाला। और कुछ इस अंदाज में अपना प्रभाव छोड़ा कि तेजस्वी यादव राहुल को भूल बैठे और अहमद पटेल को ही कांग्रेस अध्यक्ष बता दिया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अहमद भाई प्रभारी जो हमारे शक्ति भाई हैं, उन सबको भी हम धन्यवाद देते हैं। राहुल जी को भी, अध्यक्ष जी राहुल जी को भी धन्यवाद देते हैं। कोषाध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देते हैं। सुना, एक बार और सुनिए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अहमद भाई प्रभारी जो हमारे शक्ति भाई हैं, उन सबको भी हम धन्यवाद देते हैं। राहुल जी को भी, अध्यक्ष जी राहुल जी को भी धन्यवाद देते हैं। कोषाध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देते हैं। दरअसल अहमद पटेल कांग्रेस के वो रणनीतिकार हैं जिनकी एक जमाने में पहचान हारी हुई बाजी जीतने वाले
बाजीगर की रही है। तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद अहमद पटेल फिर सक्रिय हैं, या कहें अब उन्होंने 2019 के लिए मोर्चा संभाल लिया है और इसकी झलक आज दिखाई दे गई। तो दिल्ली का कांग्रेस हेडक्वार्टर, कांग्रेस का मंच और मंच पर कांग्रेस के अलावा तीन पार्टियां, मंच के सामने कुल 9 नेता और 18 हाथ, एक माइक और बारी बारी आई सबकी बारी। सबने माइक थामा और नरेंद्र मोदी को कोसना शुरू कर दिया। अपने बयानों से सभी बहादुर बन गए, लेकिन इस दावे के बीच सच्चाई यही थी कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़कर इसलिए महागठबंधन में जुड़े क्योंकि उन्हें अपने मन मुताबिक सीटें नहीं मिली। बिहार का गठबंधन तो था ही लाइक माइंडेड पार्टीज का, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज कुशवाहा जी, उपेंद्र जी इस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। ये गठबंधन में योग क्यों शामिल हो रहे हैं उसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है उससे आप सब अवगत है, तो मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। ये विचारधारा से जुड़ा हुआ गठबंधन है और इसीलिए हम पहले से आपको कहते आए थे कि यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी सीट के बंटवारे को लेके या आगे साथ काम करने के लिए, क्योंकि ये हम जो मिले हैं वो किसी कुर्सी या खुदगर्जी के लिए नहीं, ये मेल एक विचारधारा का मेल है। हमको सबको जिस दौर में देश गुजर रहा है तो पूरे देश भर में एकता का अभियान चला हुआ है और उसी क्रम में यहाँ भी ये काम हुआ है। इसके साथ ही मैं उपेंद्र कुशवाहा जी का, उनके साथ जो भी साथी यहाँ आए हैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ और इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं मानता हूँ कि दूसरे लोग ज़्यादा बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दलों का गठबंधन नहीं बल्कि जनता के दिलों का गठबंधन है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है और जिस तरीके से ठगों का जो गठबंधन हुआ है उनको करारा जवाब देने के लिए। और बीजेपी को अगर आप देखिएगा, चाहे नॉर्थ चले जाओ, साउथ चले जाओ, ईस्ट चले जाओ, वेस्ट चले जाओ, तो हर जगह से एनडीए ने अपने अलायंस को खोने का काम किया है। तो और सेंट्रल में तो सोचे ही, जनता ने जवाब दे दिया मध्य प्रदेश में, तो उस प्रकार से जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार जिन्होंने उनको ठगने का काम किया है उसको करारा जवाब देने का काम करें। राहुल जी ने जो वादा किया था, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो और राजस्थान का मामला हो, उन्होंने दिखला दिया कि 10 दिन में उन्होंने कर्जा माफ करने की बात की थी वो चंद घंटों में करके उन्होंने दिखला दिया। और यही आगे के दिन में भी कम से कम हम जो एक मजदूर वर्ग से आते हैं और समझते हैं कि बिना किसान की उन्नति को, मजदूर का उन्नति नहीं संभव है, वैसी परिस्थिति में बहुत आशा भरी नजरों से हम लोग देख रहे हैं कि माननीय राहुल जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। एक तरफ जो उदारता दिखाई गई राहुल गांधी जी की ओर से, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की ओर से, तो यह एक कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ बिहार की जनता के आदेश पर। देश भर में सोशल जस्टिस की जो चिंता रखने वाले लोग हैं उनके हुकुम पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो महागठबंधन एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसे लगाने के लिए विपक्ष ललायत है। 1.5 साल पहले ममता बनर्जी ने तमाम विरोधी दल को एक छत के नीचे लाने की कोशिश की थी, उन्हें सफलता नहीं मिली। इन दिनों चंद्रबाबू नायडू इसी काम में लग गए हैं, इसी कोशिश में लग रहे हैं। तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद ये कोशिश और तेज हो गई और फिर से शुरू हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये संभव हो पाएगा। ये
महागठबंधन पार्ट वन की तस्वीर है जो बिहार के नाम पर शुरू हुई, लेकिन बिहार से शुरू हुआ ये सिलसिला क्या बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय शक्ल ले पाएगा? सवाल इसलिए क्योंकि अगर एक बार ऐसी तस्वीर गठबंधन की उम्मीद जगाती है तो अगले ही पल दूसरी तस्वीर उम्मीद तोड़ देती है। याद कीजिए मई की 23 तारीख कर्नाटक के फैसले के बाद कुमारस्वामी की शपथ हो रही थी। उस समारोह से एक दर्जन दल हाथ उठाकर विपक्षी एकता का संदेश दे रहे थे। मायावती को सोनिया ने बाहों में भरा था, अखिलेश मुस्कुराए थे, लेकिन हफ्ते भर पहले कांग्रेस ने जब 3 राज्यों में परचम लहराया तो शपथ में मायावती, अखिलेश और ममता कन्नी काट गए। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में मायावती ने अजीत जोगी से गठबंधन कर लिया और कांग्रेस की कोशिशों को झटका दिया, तो सवाल कई है। क्या कांग्रेस के हाथ में कमान ना देने की मायावती, अखिलेश और ममता की सिद्ध महागठबंधन को आकार नहीं लेने देगी? क्या संभावित महागठबंधन ना बन पाने की बड़ी वजह राहुल गांधी के पीएम पद का दावेदार होना है? किसान दुखी हैं, नौजवान परेशान हैं, सरकार हटे जनता चाहती है। आपको याद होगा जो अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने भी एक कोशिश की थी, सभी दलों के नेताओं को बुलाया जाए, उनसे बातचीत की, उन्होंने स्टालिन से भी बात की थी, उन्होंने मुझसे भी बात की थी। इसी तरह ममता जी ने भी एक बार सभी लीडर से मिलकर के बात कही कि कोई गठबंधन तैयार हो। तो ये लगातार चलता रहेगा और कोई कोई विचार कोई दे रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि पूरे गठबंधन का यही विचार हो। अखिलेश, मायावती और ममता को पता है कि चुनाव से पहले कोई भी महागठबंधन बन जाए सरकार उन्हें साथ लेकर ही बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं जबकि पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, यानी जिसकी जितनी ज्यादा सीट उतनी मजबूत दावेदारी। और ये दावा मायावती, अखिलेश और ममता अभी से छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि यूपी में मायावती और अखिलेश दोस्त बन गए हैं और कांग्रेस दूर है। जिनकी नीति नहीं है, नेता नहीं है, जिनका चरित्र नहीं है, ऐसा गठबंधन के हाथ में देश सौंपेंगे? तो सवाल वही, क्या 2019 से पहले मोदी विरोधी दल मिलकर गठबंधन कर पाएंगे या अकेले चुनाव लड़कर जिसकी जितनी सीट वाले फॉर्मूले पर काम करेंगे? सियासी पिच पर कभी कभी नेता ऐसे स्ट्रोक खेलते हैं जिनका मकसद पॉलिटिकल रन बनाना नहीं होता है, बल्कि अपना या फिर विरोधियों को कहीं ना कहीं चेताना होता है। ऐसा ही एक स्ट्रोक खेला है एनडीए के खास सहयोगी रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान ने। चिराग ने इशारों इशारों में सीट बंटवारे को लेकर या उससे पहले ही बीजेपी को चेताने की कोशिश की है। असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि अमित शाह ने रामविलास पासवान को मिलने के लिए बुला दिया। अब अपने सहयोगियों की जो चिंताएं हैं उसको समय रहते हुए सम्मान पूर्वक तरीके से हल करने की जरूरत है। जब आप सरकार की बात करते हैं तो आपसे अपेक्षा सबका साथ सबका विकास और सिर्फ डेवलपमेंट एजेंडा हो, ये आपसे उम्मीद की जाती है। देखिए, एक लंबे समय के बाद उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने एक अच्छा प्रदर्शन किया एंड यू विल हैव टू गिव इट टू हिम। लोक जनशक्ति पार्टी में आजकल वही होता है जो चिराग पासवान सोचते हैं। तो क्या ये बयान बदलते सियासी मौसम का संकेत है? रामविलास पासवान राजनीति के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं। जब जैसा मौसम तब वैसी तैयारी। अब 3 राज्यों का फैसला आने के बाद और 2019 की बिसात बिछने से पहले चिराग पासवान ने बीजेपी को गठबंधन धर्म का मर्म समझाने की कोशिश की है, जिससे राजनीति गर्म हो गई। चिराग पासवान जी और पासवान जी, उन्होंने मौसम के मिजाज को समझ लिया है और अब वो डूबती हुई नैया में पांव नहीं रखना चाहते हैं और उन्हें एहसास हो चुका है कि जो मुद्दे ये एनडीए के साथ लेके चल रहे हैं वो गलत है। जिस प्रकार से मोदी जी ने देश में तानाशाही नहीं बल्कि अपने घटक दलों के साथ भी तानाशाही रवैया अपनाने का काम किया है, बिहार में जिस प्रकार से नाराजगी सामने आ रही है। चिराग कह रहे हैं कि उनके बयान को दबाव की राजनीति ना समझा जाए, लेकिन सच यही है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे से पहले पासवान एंड सन अपना चिर परिचित अंदाज दिखा रहे हैं। दरअसल 2014 में एलजीपी ने बिहार में 7 में से 6 सीटें जीत ली थी। इस बार बीजेपी जेडीयू में सीट बंटवारे पर बात हो गई।
एलजेपी 7 सीट चाहती है, इसमें बीजेपी जेडीयू को परेशानी है। ऐसे में चिराग पासवान ने बीजेपी को सलाह दे डाली। एज एन ऑनेस्ट अलाय पार्टनर मैं नहीं चाहता कि 2019 में इस तरीके के परिणाम हम लोग को देखने को मिले, इसीलिए मैं निरंतर उनसे आग्रह कर रहा हूं कि सही इश्यूज को आप एड्रेस करें, भले वो युवाओं का विषय हो, भले वो किसानों का हो या वो वंचित वर्ग का। वैसे रामविलास पासवान को नाराज करना और उनका एनडीए से अलग होना दोनों आसान नहीं है, क्योंकि गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी और एचएएम बड़े दावेदार हैं। इस बड़े गठबंधन में पासवान को 7 सीटें मिलना आसान नहीं होगा। बीजेपी के लिए दिक्कत ये है कि पासवान के अलग होने से गठबंधन की ताकत बढ़ेगी। ऐसे में इसे बयानों के सहारे सियासी सौदेबाजी कही जा सकती है। बिहार एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने बीजेपी को 31 तारीख तक का अल्टीमेटम दे दिया है। रामविलास पासवान इस बार झारखंड और यूपी में भी कुछ सीटें चाह रहे हैं। मजे की बात यह है कि इतना सब होते हुए भी चिराग यही कह रहे हैं कि वो दबाव की राजनीति नहीं कर रहे। समय रहते हुए सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए और अब कोई कारण नहीं है विलंब का। मैं इस बात को बहुत क्लियरली आपके माध्यम से मैं बताऊंगा, मैं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पे नहीं कर रहा हूं। लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं की, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं। हाथों में हाथ डाले तस्वीर आपने देखी, सबसे पहले सीटों के लिए मोल भाव की खबर आपने देखी। देखिए, चुनाव के नजदीक आते ही जिगरी दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं और जानी दुश्मन भी जिगरी बन जाते हैं। और आपको अगर ये लग रहा है कि ये सब जनहित के लिए हो रहा है तो दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक तो ये कहता है कि ये बंधन नहीं बार्गेनिंग है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।